हेलो दोस्तों, जब भी आप किसी बांध यानी डैम के पास से गुजरे होंगे तो आपने यह जरूर सोचा होगा कि आखिर इतने गहरे पानी में विशाल बहती नदी के ऊपर इंजीनियर्स ने इतने बड़े डैम को कैसे बनाया होगा जो कि अरबों लीटर पानी को रोक लेता है, जिसके अगर सारे गेट खुल जाएं तो गांव के गांव डूब जाते हैं। ऐसे में पानी के बीच डैम कैसे बनता होगा और उसका सीमेंट पानी के बीच में कैसे सेट होता होगा, तो चलिए देखते हैं इस कमाल की वीडियो में कि बहती नदी के ऊपर पानी के बीच डैम कैसे बनता है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। डैम बनने की शुरुआत होती है सर्वे एंड प्लानिंग से, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, जिसके लिए इंजीनियर्स नदी की गहराई, चौड़ाई, मिट्टी और उस क्षेत्र में पिछले 50 साल में हुई बारिश का डेटा इकट्ठा करते हैं और डेटा के अनुसार कंप्यूटर पर डैम का मॉडल डिजाइन बनाया जाता है, जिसके अनुसार ही फिर आगे की प्लानिंग की जाती है। यह तो सीधी बात है कि बहते पानी के बीच नदी पर डैम बनाना बहुत कठिन काम है, क्योंकि डैम बनने में कई सालों का समय लगता है और नदी का पानी बहाव के साथ लगातार बहता रहता है। इसलिए इस काम के लिए इंजीनियर्स जरूरत के अनुसार अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर डैम बनना है उस प्रोजेक्ट साइट पर नदी के आसपास यदि ऊंचे पहाड़ हैं, तो इंजीनियर्स साइट से अंडरग्राउंड टनल यानी सुरंग बनाते हैं। इस सुरंग को काफी मजबूती से बनाया जाता है, जो पहाड़ों के बीच में से होती हुई आगे जाकर दूर फिर उस नदी में ही मिल जाती है। फिर इसके बाद सुरंग के एक सिरे के जस्ट आगे से पत्थर, गिट्टी आदि डालकर और जरूरत पड़े तो कंक्रीट भी डालकर एक टेम्परेरी बांध या दीवार बनाई जाती है, जो कि एक प्रकार का कॉफर डैम होता है, जिससे नदी का पानी रुक जाता है और धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ने लगता है और फिर पानी सुरंग से बहना शुरू हो जाता है। ठीक इसी प्रकार सुरंग के दूसरे साइड पर भी एक और टेम्परेरी बांध यानी कॉफर डैम की दीवार बनाते हैं। लेकिन यदि नदी के आसपास ऊंचे पहाड़ ना हो तो इंजीनियर्स बहती नदी के साइड से एक नहर यानी कैनाल बनाते हैं, जो कि नदी के बगल में बनाई जाती है। यह नहर घूमकर फिर से नदी में ही मिल जाती है और फिर नहर के आगे पीछे दोनों सिरों पर सुरंग की तरह ही नदी के साइड पत्थर, गिट्टी, सीमेंट आदि डालकर टेम्परेरी बांध बना लेते हैं। आपने डैम के आसपास कई बार इस तरह के पत्थर, गिट्टी के ढेर देखे होंगे, यह भी एक तरह के टेम्परेरी बांध ही होते हैं। इस तरह के टेम्परेरी बांध पानी को रोक देते हैं, जिसके कारण नदी का पानी मुड़कर साइड से नहर या सुरंग के जरिए निकल जाता है और हमें बीच में खाली जगह मिल जाती है और उसमें जो पानी भरा होता है उस पानी को पंप के जरिए निकाल देते हैं और यह पंप लगातार चलते रहते हैं ताकि लीक हुआ पानी भी निकलता रहे। अब हमें खाली और सूखी जमीन मिल गई है डैम बनाने के लिए, लेकिन परेशानी अभी खत्म नहीं बल्कि शुरू हुई है। सबसे पहले हम मशीनों की सहायता से जमीन को खोदकर एक सा कर लेते हैं, फिर जमीन में लाइन से मशीन के द्वारा कई सारे बोर करके उसमें कंक्रीट भरते जाते हैं। यह बोर बिल्कुल पास पास होते हैं, जिस वजह से एक अंडरग्राउंड दीवार जैसी बन जाती है, जिसे कट ऑफ वॉल कहते हैं। यह दीवार जमीन के नीचे से पानी लीकेज होने से रोकती है। इसके बाद समतल किए हुए गड्ढे में कंक्रीट भरा जाता है, जिससे इसका बेस तैयार हो जाता है। इस बेस पर अब डैम का फाउंडेशन बनाया जाता है। डैम का फाउंडेशन डैम के ऊपरी सिरे के मुकाबले बहुत चौड़ा होता है, जिससे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन के पास आ जाता है और डैम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। डैम जितना ज्यादा नीचे से चौड़ा होगा उतना ही ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि नीचे की तरफ पानी का प्रेशर ज्यादा होता है। इसलिए तो हम पानी की टंकी में नीचे से पाइप लगाते हैं, ना कि ऊपर से। फाउंडेशन बनाते समय फाउंडेशन में कुछ अंडर स्लूज टनल बनाई जाती हैं। इसका कारण है क्योंकि हमने पूरी नदी के पानी को रोककर मोड़ दिया है। भले ही हम पानी को नहर या सुरंग के जरिए
घुमाकर फिर से नदी में पहुंचा रहे हैं। लेकिन बारिश के समय जब नदी का फ्लो बढ़ जाता है और कई बार बाढ़ भी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में पानी सारी रुकावटों को तोड़ते हुए कंस्ट्रक्शन साइट पर आ सकता है और कोई दुर्घटना हो सकती है। इससे बचने के लिए इंजीनियर्स यह स्लूस टनल बनाते हैं। जब नदी के पानी का फ्लो बढ़ जाता है तो एक्स्ट्रा पानी को स्लूस टनल के नीचे से गुजारा जाता है। इस तरह से इंजीनियर्स अंडर स्लूस टनल के ऊपर डैम का काम करते रहते हैं और पानी नीचे से बहता रहता है। डैम के फाउंडेशन के ऊपर डैम के पिलर और बाकी का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। डैम में लाइन से कई सारे पिलर बनाए जाते हैं जो काफी ऊंचे और विशाल होते हैं, जिनके बीच बीच में ढलान जैसी फिसल पट्टी बनाई जाती है, जिसे स्पिलवे कहते हैं। स्पिलवे के रास्ते से ही डैम का पानी बहकर निकलता है। ढलान यानी स्पिलवे के नीचे के छोर को थोड़ा घुमावदार बनाया जाता है ताकि गिरता हुआ पानी डैम के बेड यानी बेस पर सीधा ना टकराकर थोड़ा घूम कर जाए, जिससे गिरते हुए पानी की काइनेटिक एनर्जी यानी स्पीड कम हो जाती है और यह डैम के फाउंडेशन को नहीं उखाड़ता है। साथ साथ डैम के आगे और पीछे की जमीन को भी समतल करके उस पर गोल पत्थरों की परत बना देते हैं ताकि पानी के बहाव से डैम की मिट्टी ना बह जाए। जहां डैम का मेन स्ट्रक्चर बन रहा होता है उसी के पास एक वर्कशॉप बनाई जाती है, जहां डैम की बाकी की चीजें जैसे कि डैम के गेट को बनाया जाता है। डैम का गेट एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है जिसके द्वारा ही हम डैम से बहने वाले पानी को कंट्रोल करते हैं, इन्हें खोलकर और बंद करके। आज के समय ज्यादातर डैम्स में रेडियल गेट का उपयोग होता है। रेडियल गेट का डिजाइन हाई प्रेशर को झेलने के लिए परफेक्ट होता है। यह गेट कुछ इस तरह से काम करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। डैम में उपयोग होने वाला ओरिजिनल रेडियल गेट कुछ इस तरह से दिखता है, जो कि बहुत ही बड़ा होता है। इस गेट को मशीनों की सहायता से डैम में पिलर्स के बीच कुछ इस तरह से फिक्स किया जाता है, जिससे यह उसके बीच में फंस जाता है। अगर हमें डैम से बिजली भी बनानी हो तो इसी समय कुछ पिलर के बीच में डैम के गेट को न लगाकर बड़े बड़े अंडरग्राउंड पाइप को लगा देते हैं, जिन्हें पेन स्टॉक कहते हैं। इन पाइप के द्वारा पानी प्रेशर और तेज स्पीड के साथ एक टरबाइन चैम्बर में पहुंचता है, जो एक टरबाइन को घुमाता है, जिसमें एक जनरेटर कनेक्ट होता है जो कि टरबाइन के साथ घूमता है, जिससे बिजली बनती है जो कि हम घरों में उपयोग करते हैं। काम पूरा होने के बाद हमने जो स्लूस टनल बनाई थी उसे कंक्रीट से भर देते हैं, लेकिन कुछ स्लूस टनल में एक छोटा सा गेट लगा देते हैं, जिसे स्लूज गेट या फ्लड गेट कहते हैं। क्योंकि नदियों में हमेशा साफ पानी नहीं बहता है, इसलिए कुछ समय बाद डैम के पानी भरने वाले साइड में मिट्टी और काई जमा होने लगती है, जो डैम को जाम कर सकती है। इससे बचने के लिए समय समय पर स्लूज गेट को खोल देते हैं, जो बिल्कुल नीचे की साइड बने होते हैं, जिससे नीचे जमा गंदगी निकल जाती है और डैम कभी जाम नहीं होता। डैम के ऊपरी साइड पर एक रोड बनाया जाता है ताकि इसकी देखरेख आसानी से की जा सके। एक डैम का डिजाइन कुछ इस तरह का होता है। इसके सारे कंपोनेंट आप देख सकते हैं। जब डैम का सारा स्ट्रक्चर और सीमेंट अच्छे से सेट हो जाता है, तब सारे एरिया को खाली करा लेते हैं और डैम के सारे गेट इस समय बंद किए होते हैं। अब डैम की तरफ पानी रोकने के लिए हमने जो रुकावटें बनाई थी उन्हें धीरे धीरे तोड़ना शुरू करते हैं, जिससे डैम में पानी भरना शुरू हो जाता है। बाद में पानी मोड़ने के लिए हमने जो नहर या सुरंग बनाई थी उसे भी मिट्टी और कंक्रीट के द्वारा बंद कर देते हैं, जिससे पूरा पानी डैम की ओर जाने लगता है और डैम का एक साइड पानी से डूब जाता है, जिसे रिजर्वॉयर कहते हैं। और इसके बाद डैम के कुछ गेट को खोल देते हैं,
जिससे पानी भी निकलता रहता है और रिजर्वायर भी भरा रहता है। और जब नदी में बाढ़ आती है तो ज्यादा गेट खोल दिए जाते हैं ताकि डैम का पानी ओवरफ्लो होकर ऊपर से ना निकल जाए, क्योंकि यह डैम के मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर को खराब कर सकता है, जिनके द्वारा ही डैम का फ्लो कंट्रोल होता है और बिजली बनाई जाती है। तो यह थी नदी पर डैम बनने की पूरी कहानी। इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।